Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दुनिया भर में खाने के शौकीनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर रोज़ 35 किलो के आसपास खाना खाना कोई आम बात नहीं है। वैसे आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो पहलवान होते हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन एक दिन में 35 किलो तो शायद कोई खा ही पाता होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बादशाह के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतना खाना तो आराम से खा जाता है और उसे पचा भी लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बादशाह हर रोज़ जहर का सेवन भी करता है। वह महज 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे और 52 साल यानी कि 1459 से 1511 ईस्वी तक सफलतापूर्वक गुजरात पर राज किया था। उन्हें अपने वंश के सबसे प्रतापी शासक माना जाता था। महमूद बेगड़ा का नाम महमूद शाह प्रथम था। उन्हें बेगड़ा की उपाधि तब दी गई थी जब उन्होंने गिरनार, जूनागढ़ और चंपानेर के किलों को जीत लिया था। कहते हैं कि गिरनार किले पर बेगड़ा का अधिकार हो जाने के बाद यहाँ के राजा ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद उसकी सेना को सुल्तान की सेना में शामिल कर दिया गया था। महमूद बेगड़ा के आकर्षक व्यक्तित्व के चर्चे तो आज भी खूब होते हैं। कहते हैं कि उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि वो कमर तक पहुंच जाती थी। इसके अलावा उनकी मूछें भी काफ़ी लंबी थी, वह उन्हें अपने सिर के ऊपर बांध लेते थे। महमूद बेगड़ा के बारे में सबसे ज़्यादा जो बात प्रचलित है वो ये है कि वह एक दिन में कम से कम 35 किलो खाना खाते थे। कहते हैं कि नाश्ते में कटोरा शहद, एक कटोरा मक्खन और 100 से 150 केले खा जाते थे। सिर्फ यही नहीं, रात के समय वे उनके तकिए के दोनों तरफ खाना रख दिया जाता था ताकि अगर उन्हें कभी भी भूख लगे तो तुरंत खा सके। कहते तो ये भी हैं कि सुल्तान बेगड़ा को बचपन से ही किसी प्रकार का जहर सेवन कराया गया था, जिसके बाद से वह हर रोज खाने के साथ थोड़ा थोड़ा जहर भी लेते थे। कहा जाता है कि सुल्तान के शरीर में इतना जहर हो गया था कि अगर उनके हाथ पर कोई मक्खी भी बैठ जाए तो वह पल भर में दम तोड़ देती थी। इतना ही नहीं, उनके इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को कोई छूता तक नहीं था, बल्कि उसे सीधा जला दिया जाता था क्योंकि वह सुल्तान के पहनने के बाद जहरीले हो जाते थे। न्यूज रूम से इमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.